हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज का टॉपिक है मास एयर फ्लो सेंसर पे। अगर ये ख़राब हो जाए तो हमारी गाड़ी में ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम आती है, इंजन लाइट आती है, लो पिकअप की भी इशू आती है, लो माइलेज हो जाती है, और या फिर जब ये इस पे ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है या फिर इस पे रस्ट लग जाती है तो भी ये दिक्कत आती है। सो आज हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं। सो आप वीडियो पूरी देखना विदाउट स्किपिंग। सो मैं आपको आज अकेला अकेला स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो आज जो मैं क्लीनर यूज़ करने वाला हूँ वो होगा एब्रो कंपनी का। ये एक अमेरिकन कंपनी है, ये देख सकते हैं, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ये देख सकते हैं आप, लिखा है टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस टू मीट एब्रो यूएसए स्टैंडर्ड्स। सो ये थ्रॉटल बॉडी क्लीनर और कार्ब क्लीनर यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज इसे काफ़ी चीज़ें हम क्लीन कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कार्बोरेटर्स कर सकते हैं, फ्यूल इंजेक्टर, थ्रॉटल ब्लेड्स, डीजल पंप्स, इंजेक्टर्स, ऑटोमोटिव एंड मरीन यूज़ में भी आता है एंड सेंसर सेफ भी होता है। तो मैं इसे सेंसर्स भी क्लीन कर सकता हूँ, जैसे कि आज हम MAF सेंसर क्लीन करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। सो MAF सेंसर को उतारने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। सम फ्लैट बॉटम वाला स्क्रू ड्राइवर की साइड आगे आ जाएंगे लेके। सो ये हमने नट खोला इसका स्क्रू ड्राइवर से। ये 8 नंबर की की से भी खुल सकता है, आप 8 नंबर की भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमने अलग किया इसकी पाइप लाइन को। इसकी पाइप लाइन के अंदर देख सकते हैं, एक मिनट में लाइट जलाता हूँ आपको पता लग जाएगा इसकी पाइप लाइन के अंदर कितनी डस्ट है। थोड़ी थोड़ी है डस्ट, इसको मैं क्लीन करूँगा, अलग वीडियो इसकी बनाऊँगा। सो आप वो वीडियो देखना हम कैसे पाइपलाइन को क्लीन करते हैं। आज की वीडियो होगी हमारी MAF सेंसर को क्लीन करने के लिए। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अब हम इसे खोलते हैं। यहाँ पर मुझे 10 नंबर का स्पैनर लगेगा, दो नट होंगे ये देखिए, ये वाले, इनको हम रिमूव कर लेंगे। सो चलिए अब हम MAF सेंसर को रिमूव करते हैं। ये रहा इसके MAF सेंसर का कपलर, ये आप देख सकते हैं, ये फिंगर के आगे देख सकते हैं इसका लॉक है कपलर का। इसे हम प्रेस करेंगे, एक मिनट में आपको फ्लैश लाइट जगा के दिखाता हूँ कि आपको क्लियर हो सके। इसे हम जब प्रेस करेंगे इसकी आवाज़ आएगी और ये अलग हो जाएगा कपलर। इस कपलर में देखना 4 पिंस होंगी बिकॉज MAF सेंसर में ही आपका एयर टेम्परेचर सेंसर होता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी यहाँ से ही रीडिंग लेता है कि एयर का टेम्परेचर क्या है, एयर की वॉल्यूम क्या है, मींस कि कितनी एयर इंटेक में सक हो रही है। इसके अकॉर्डिंग ही ECU आपका डिसाइड करता है कितना फ्यूल इंजेक्टर्स के थ्रू ये पंप करेगा बर्न करने के लिए। सो इससे ही हमारे पावर स्ट्रोक अच्छे होंगे। अगर हमारे MAF सेंसर हमारा अच्छी रीडिंग देगा अपने ECU को कि कितनी एयर जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही वो फ्यूल पंप करेगा और हमारा पावर स्ट्रोक अच्छा होगा और हमारी गाड़ी को पिकअप और माइलेज सब कुछ अच्छा मिलेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हमने खोल लिया 10 नंबर के स्पैनर के साथ, दो नट खोल लिए, ईजीली खुल जाएंगे। ये देखिए जैसे मैं खोल रहा हूँ आपको सेम ऐसे करना विदाउट स्किपिंग वीडियो आप अगर देखेंगे। सो आप घर पे ही कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने खोल लिया नट, ये हमारा MAF सेंसर आ गया। इसके गाइज अंदर देखना, ये बहुत ज़्यादा डस्टी होगा, डस्ट होगी इसके अंदर, ये देख लीजिए। जब मैं क्लीन करूँगा आप इसमें से देखना कि डस्ट और कार्बन कितनी अमाउंट में निकलेगी। ये लग इतना गंदा नहीं रहा बट रियलिटी में गाइज ये गंदा होगा अंदर से बिकॉज 6 ईयर में एक बार भी क्लीन नहीं हुआ। अब मुझे थोड़ी नीड लगी बिकॉज हम ये अगर टाइम टू टाइम सर्विस कराओ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये देख सकते हैं आपके 4 सॉकेट इसमें, बट तो भी अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस भी कराते हैं तो भी आपको चेंज कराने की ज़रूरत इसको क्लीन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स क्लीन इट। ये हमने रखा, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है कि पीछे से पास हो सके। ये देखिए मैंने स्टार्ट की स्प्रे करना है इससे, कहीं ये पीछे देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कार्बन और डस्ट निकल रहा है, मोर देन एक्सपेक्टेड निकला मेरे। मुझे लगा था कि टाइम टू टाइम सर्विस में ये इसमें नहीं होगी इतनी डस्ट और कार्बन, बट ये देखिए क्या निकल रहा है। इसलिए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीन करना। अगर आपकी टाइम टू टाइम सर्विस नहीं होती आप 1-2 साल में क्लीन कर लीजिए, 100 से 150 ही आपका खर्चा आएगा और आपकी गाड़ी एकदम चलेगी, लॉन्ग लाइफ चलेगी गाइस। ये देख सकते हैं, अब दूसरी साइड से मैं करूँगा स्प्रे।
ये कार्बन का अमाउंट देखो कितना निकल रहा है डस्ट का, इससे आपकी अगर डस्ट भी लगी होगी एकदम ओके हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लॉन्ग लाइफ चलेगी आपकी गाड़ी। और लो एंड पिकअप भी गाइस अच्छी हो जाती है इससे। अब हम कहते हैं ना कि लो एंड पिकअप गाड़ी वाइब्रेट करती है, अगर ये क्लीन कर देंगे तो आपकी गाड़ी फरारी बन जाएगी। जस्ट किडिंग, बट आपकी सच में बहुत अच्छा होगा, मींस की एक्सेलरेशन और माइलेज भी अच्छी होगी। अब हम इसके सॉकेट को भी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं कि बिकॉज ये सॉकेट से भी है, ये थोड़ा मैं झाड़ के देखता हूँ कितना का निकला है अंदर से देख ले। अब इसके सॉकेट पे थोड़ी सी स्प्रे करते हैं, थोड़ी सी करना है बस, थोड़ी सी बस, इतनी बहुत होगी, इनफ होगी इतनी। सो अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक मिनट में इसे पहले झाड़ लूँ थोड़ा। ये देख सकते हैं आप, सारी डस्ट क्लीन हो गई है यहाँ से। फ्रेंड्स और एक बात, अगर जैसे ये गाड़ी ना अभी मेरी गर्म थी, चल के आई थी, इंजन वार्म था, मींस कहने का मेरे, आपको अभी इस कपलर पे नहीं मतलब कि ये स्प्रे करना, बिकॉज़ ये हाईली फ्लेमेबल है, आग भी लग सकती है। प्लीज़ प्रिकॉशंस यूज़ करना, इसे अभी स्प्रे मत करना, जब आपका इंजन ठंडा हुआ तभी करना। आफ्टर क्लीनिंग ये आप अब धूप में रख सकते हैं कि ये जल्दी सूख जाएगा, जब अराउंड 30 मिनट्स हो जाएंगे ना उसके बाद ये प्रॉपर सूख जाएगा, मतलब कि जब आप रखोगे ना उस पे धूप के आगे ये प्रॉपर वर्क करेगा बाद में। 20 minutes later. फ्रेंड्स अभी हमारा सेंसर सूख चुका है, सो अब हम इसे फिट करते हैं। ये देख सकते हैं प्रॉपर क्लीन हो गया है, इसके टर्मिनल्स भी देखो इतने अच्छे हो गए हैं, ये देखिए अंदर से पूरा प्रॉपर क्लीन हुआ है। आपको लाइट जला के दिखाता हूँ एक मिनट, ये अब अंदर से देख सकते हैं प्रॉपर क्लीन है। अगर ये अब गाड़ी में लग गया ना, गाड़ी सच में अच्छी एक्सेलरेशन हो जाएगी, पूरी नई गाड़ी की तरह। सो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप घर पे इसे मतलब कि उतार के क्लीन करो, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स सुखाओ और बाद में इसे लगा लो, आपकी गाड़ी सच में बहुत अच्छी चलेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर ब्लैक स्मोक भी डीजल कार्स में जैसे आ जाती है, इसी के कारण आती है, बिकॉज ये गंदा हो जाता है। सो ये देखिए मैंने इसकी होज में कपड़ा फंसा दिया था कि अंदर डस्ट ना जाए, सो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया बिकॉज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। ये हम दोबारा इसे कस देंगे 10 नंबर स्पैनर से दोनों नट, और ये होज पाइप भी कर देंगे टाइट। सो ये आप देख सकते हैं मैंने ये देखिए ये मैंने अब कपलर लगा दिया, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। सो ये देखिए अब हम अपनी गाड़ी का मीटर स्टार्ट करके देखते हैं कि कोई लाइट तो नहीं आई। विद इन 1 सेकेंड हमारी लाइट्स सभी ऑफ होनी चाहिए, ये देखिए ये विद इन 1 सेकेंड हमारी लाइट्स सारी गायब होगी, इसका मीन्स है ये हमारा प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया है। सो इसे ये देखिए आरपीएम भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, कुछ नहीं होगा आपकी गाड़ी को, आप घर पे कर सकते हैं। इंजन की आवाज़ भी सुनिए, ये देखिए एकदम अच्छी आवाज़ हो गई है फ्रेंड्स में, इससे थोड़ा सा माइनर इफेक्ट होगा पर पड़ेगा जरूर। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक टू दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।